हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और अभी तक की आपने हमारी वीडियो में देखा कि एमएस पेंट का यूज हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो आपको मैं बताने वाला हूं एमएस पेंट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। एमएस पेंट के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनका नाम क्या है और उनका यूज हम कैसे करते हैं एमएस पेंट के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे व्हाट इज पेंट, कि पेंट क्या है। क्योंकि पेंट में कोई भी काम करने से पहले आपको पेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज पेंट, पेंट क्या है हमारा। तो पेंट यूज टू क्रिएट ए ड्राइंग, पेंट का जो यूज करते हैं हम एक ड्राइंग बनाने के लिए। और ऑन ए ब्लैंक ड्राइंग एरिया, एक आपका बिल्कुल खाली एरिया होता है जहाँ पे आपको ड्राइंग बनाना पड़ता है पेंट के अंदर। उसके बाद मैनी ऑफ द टूल्स इन पेंट, पेंट में बहुत सारे टूल्स होते हैं क्योंकि जहाँ पर भी हम ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ पर हमारे टूल्स तो होंगे ही। और उसके बाद विच यूज टू मेक डिजाइंस, इन सभी टूलों का यूज हम एक डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हाउ टू स्टार्ट पेंट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में अगर आपको पेंट स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर जाना होता है, उसके बाद क्लिक ऑल प्रोग्राम, उसके बाद क्लिक एसेसरीज, और देन उसके बाद आपको किस क्लिक करना है पेंट पर। तो इस वाले स्टेप का यूज करेंगे तो आपका पेंट ओपन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप पेंट ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से आपका पेज खुल के आएगा, तो इसे बोलते हैं हम पेंट। तो इस पेंट के अंदर किस बटन का क्या नाम है वो आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे जो टॉप में दिया हुआ यहां से यहां तक का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। अभी आपको फ्रेंड्स इन सभी के नाम के बारे में समझना है, बाकी आगे मैं आपको सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इन सभी का यूज क्या है और उसका नाम क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, और ये जो बटन्स है इसे बोलते हैं हम पेंट बटन। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक होम और एक व्यू, इसको बोलते हैं हम टैब। ये जो बटन होते हैं इसको बोलते हैं हम टैब बटन, याद रखना फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो, जैसे मान लीजिए होम पे आपने क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं तो ये जो खुला हुआ है आपका इसे बोलते हैं हम रिबन। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन का ग्रुप बना हुआ है, जैसे कीबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, शेप्स ग्रुप और एक कलर्स ग्रुप। ये देखिए अलग अलग ग्रुप है, तो इसे हम क्या बोलते हैं ग्रुप। उसके बाद ये जो आपका खाली एरिया होता है इसे हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया। और यहाँ पर ऊपर में टॉप में तीन बटन दिए हुए हैं, एक आपका मिनिमाइज होता है, एक मैक्सिमाइज और एक होता है आपका क्लोज। और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का बटन है जिसको बोलते हैं हम हेल्प बटन। तो जो भी हम यहाँ पर सीखते हैं उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए तो आप हेल्प बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बटन से दिख रहा है यहाँ पे इतना बड़ा, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है, और लेफ्ट राइट पेज को करना हो उसके लिए यूज करना पड़ता है आपको वर्टिकल स्लाइडर। ये हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे नंबर देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी इस पेज की विड्थ और हाइट क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100% का बटन दिया हुआ है, एक माइनस का बटन है और एक प्लस का बटन है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं जूम स्लाइडर, क्योंकि यहाँ पे हम जब बटन पे क्लिक करेंगे प्लस पे तो जो भी हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाया होगा वो हमारा क्या होगा, जूम हो जाएगा। तो इन सभी बटन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब मैं बताता हूँ इन सभी ऑप्शन के बारे में कि इन ऑप्शन का यूज आप पेंट में आप कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको सीखना होता है होम टैब। होम टैब जो बटन दिया हुआ है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले सीखना होता है पेंसिल। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पेंट पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको पेंसिल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, पेंसिल टूल का काम क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिख रखा है मैंने, यूज द पेंसिल टूल क्रिएट स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। जब आप पेंसिल टूल का यूज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन आप इसके थ्रू खींच सकते हैं। तो स्ट्रेट मतलब सीधा हो गया और कर्व मतलब ऐसे तिरछा हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं अगर वो तिरछा हो जाता है तो आपको शिफ्ट की का यूज करना पड़ता है बिल्कुल सीधी लाइन खींचने के लिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन होता है हमारा फिल विथ कलर। जी हाँ, फिल विथ कलर बटन इस टाइप से दिखाई देता है आपका, और इसका जो काम होता है कि इट इज़ यूज टू फिल द कलर एनी शेप और पिक्चर्स। कोई भी शेप या फिर कोई भी ड्राइंग आप बनाते हैं या पिक्चर बनाते हैं तो उसमें कलर करना होता है, तो आपको इस वाले बटन का यूज करना पड़ता है। एक होता है आपका इरेजर, जिसका काम होता है इरेज करना, जो भी आपने ड्राइंग किया हुआ है उसको इरेज करने के लिए आपको इरेजर का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इरेज एनी पिक्चर और शेप्स। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ आपका एक लाइन टूल, लाइन टूल का जो काम होता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने क्रिएट स्ट्रेट लाइन, वो आपका इस टाइप से दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
एक दिया होता है आपका कर्व टूल, तो कर्व आपको इस टाइप से दिखाई देगा। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, क्रिएट कर्व लाइन बट यूज टू थ्री स्टेप। जब भी आप कर्व का यूज करेंगे तो आपको तीन बार क्लिक करना पड़ता है इस टूल को लेने के बाद। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इतना समझ में आ जाता है पेंट के अंदर, तो फिर आप इस टाइप से ड्राइंग बनाने की कोशिश करें। ये देखिए इस टाइप का पिक्चर दिया हुआ है कि मेक ए डिजाइन। जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको इस टाइप से आपको एक ड्राइंग बनाना होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एमएस पेंट में एक बटन होता है अंडू का, जिसका काम होता है गो टू बैकवर्ड। कभी भी कोई मिस्टेक्स होता है फ्रेंड्स, तो आप इस बटन पर क्लिक करके बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर जा सकते हैं। मान लीजिए आपको ने दो बार आपको जाना था और आप तीन बार या चार बार पीछे चले गए, दोबारा आपको आगे जाना हो तो उसके लिए आपको रेडो बटन का यूज करना पड़ता है। तो रेडो बटन का जो काम होता है गो टू फॉरवर्ड, ये आपका आगे जाने के लिए होता है। और एक होता है आपका ब्रूस टूल। ब्रूस टूल का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रूस टूल यूज टू क्रिएट स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। इसे आप सीधी लाइन या फिर तिरछी लाइन आप खींच सकते हैं, बट देट हैव ए डिफरेंट टेक्स्चर, यानी कि एक डिफरेंट टाइप का टेक्स्चर बन के आएगा आपका, एक इमेज टाइप का लगेगा आपका, मतलब एक इफेक्ट मान लीजिए, बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट ब्रूसेस। जब आप ब्रूस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रूस आएंगे, तो हर ब्रूस से अलग अलग काम होता है और इसे हम बोलते हैं डिफरेंट टेक्स्चर, मतलब डिफरेंट टाइप का आपका दिखाई देगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसे यूज करेंगे ब्रूस टूल का, तो यहाँ पे लिखा हुआ यूज द ब्रूस टूल, तो क्लिक ब्रूस टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद चूज यू वन टू, मतलब जो भी आपको ब्रूस चाहिए वहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक होता है आपका पॉलीगॉन टूल। इसका जो काम होता है कि आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक अपना शेप आप बना सकते हैं खुद से, यानी कि जैसा वो दिखाई देता है वैसा नहीं बनता, मतलब उसके थ्रू आपको एक नया शेप बनाना पड़ता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक टूल होता है हमारा कलर पिकर, जिसका काम होता है कॉपी कलर अनदर शेप और पिक्चर्स। तो जब आप इसका यूज करेंगे तो कोई भी कलर कॉपी करने के बाद किसी दूसरे शेप में आप उसे आसानी से डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक दिया हुआ है उसके बाद टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल आपका इस टाइप से दिखाई देगा। इसका जो काम होता है कि टेक्स्ट टूल यूज टू टाइप टेक्स इन योर पिक्चर्स, यानी कि आप टेक्स्ट टूल का यूज करके कोई भी टेक्स टाइप कर सकते हैं। टेक्स मतलब कोई भी एक नाम लिखना। उसके बाद देखिए एक होता है हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट का काम क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट टेक्स और पिक्चर्स फॉर एडिटिंग या चेंज कलर। अगर आप किसी भी फोटो में एडिटिंग करना हो या कलर चेंज करना हो तो उसके लिए आपको सिलेक्ट टूल का यूज करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शेप्स। तो शेप्स का एक बटन होता है आपका, जिसका काम क्या होता है क्रिएट न्यू शेप्स, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, सर्कल, ट्रीएंगल, स्टार, हर्ट एंड एरो, मतलब इस टाइप से। यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल में किस टाइप के शेप होते हैं, तो इस टाइप से। तो कोई भी आपको शेप ऐसा बनाना हो तो आपको शेप्स में जाना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपको शेप सारे समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको फिर इस टाइप से आपको एक ड्राइंग क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ड्राइंग दिया हुआ है, तो आपको इस ड्राइंग को देखने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में इसे बनाना भी होता है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, बाकी जो भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हमारा पेंट बटन। जी हाँ दोस्तों, पेंट बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी टूल्स या कोई भी ड्राइंग करने के बाद हमें फाइल को ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना, तो हमारा पेंट बटन के अंदर वो आता है। तो पेंट बटन आपका इस टाइप से दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो इसमें कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, एक होता है आपका न्यू बटन, जिसका काम क्या होता है क्रिएट ए न्यू पेज, एक नया पेज लेना। और कैसे लेंगे फ्रेंड्स, तो पेंट बटन पर क्लिक करने के बाद, और जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे एक आपके पास नया पेज आ जाएगा। उसके बाद एक बटन होता है आपका ओपन का, जिसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, ओपन ऑन एग्जिस्टिंग पिक्चर्स, यानी कि कोई भी पिक्चर्स जो हमारे कंप्यूटर में पहले से होता है या जो भी हमने काम करके सेव किया हुआ है उसको ओपन करना। और कैसे करेंगे, तो यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको पेन बटन पर क्लिक करना होता है, और जैसे ही पेन बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक बटन आएगा आपका ओपन का, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइंड योर पिक्चर, फिर आपको देखना होता है कि आपकी पिक्चर कहाँ पर है। उसके बाद क्लिक ओपन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पिक्चर होगा वो आपके पेंट में आ जाएगा। उसके बाद एक बटन होता है सेव का, जिसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, सेव ए न्यू डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स। जो भी आपने ड्राइंग किया हुआ है या जो भी आपने एक पिक्चर बनाया हुआ है पेंट के अंदर, उसको आपको सेव करना, यानी कि एक नए पेज को सेव करने के लिए आपको सेव का यूज करना पड़ता है। और इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, कैसे करेंगे, तो पेंट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक बटन आएगा सेव का, उस पर क्लिक करना होता है। फाइंड योर लोकेशन, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आपको कहाँ पर सेव करना है। तो आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको देखना होता है कि आपको लोकेशन, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, सी ड्राइव, डी ड्राइव,
तो आपको लोकेशंस होता है, तो वहाँ पर लोकेशन चूज करना है आपको, उसके बाद इंटर फाइल नेम, फिर आपको फाइल का नाम लिखना होता है, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। इसके बाद एक हमारा दिया हुआ सेव एज, तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जो सेव होता है हमारा एक नए पेज को सेव करने के लिए होता है। और सेव एज क्या होता है हमारा, तो देखिए सेव एज यूज टू अल्टरनेटिव नेम ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट, यानी कि जो फाइल पहले से कंप्यूटर में होती है उसी फाइल को ओपन करके उसमें कुछ चेंज करके उसे दोबारा सेव करना। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो पेन बटन पे जा करके आपको सेव पे क्लिक नहीं करना, आपको सेव एज पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको लोकेशन चूज करना है और फाइल का नाम लिखना है, उसके बाद क्या करना है आपको सेव। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक बटन होता है हमारा प्रिंट का, जिसका काम क्या होता है कि प्रिंट योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द प्रिंटर, यानी कि जो भी आपने काम किया हुआ है पेंट के अंदर उसे प्रिंटर से प्रिंट करना। और कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्लिक पेंट बटन, तो पेंट बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जब उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक बटन आपका दिखाई देगा प्रिंट का, तो उस पर क्लिक करना होता है। और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो एक ऑप्शन आपका आएगा सेलेक्ट प्रिंटर का। और यहाँ पर आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि एक कंप्यूटर से हम दो प्रिंटर या तीन प्रिंटर हम लगा सकते हैं, तो जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना पड़ता है उसका नाम वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, या फिर उसका मॉडल नंबर दिया होगा, तो सिलेक्ट प्रिंटर करके उसके बाद नंबर ऑफ कॉपी, कितने कॉपी आपको चाहिए, और जैसे क्लिक प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका प्रिंटर उसे प्रिंट कर देगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक बटन होता है हमारा प्रिंट प्रीव्यू, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो अभी हमने सीखा था कि प्रिंट का जो एक बटन होता है उससे हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने के बाद ही हमें दिखाई देगा कि हमारा प्रिंट कैसा हुआ। लेकिन एक बटन होता है हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू, जिसका काम क्या होता है फ्रेंड्स कि सी योर डॉक्यूमेंट या पिक्चर बिफोर प्रिंटिंग, अगर आप प्रिंटिंग से पहले आप दे सकते हैं कि आपका प्रिंट कैसा होगा तो आपको कुछ भी चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू का यूज करना पड़ता है। तो कैसे आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले क्लिक पेंट बटन, पेंट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, गो टू प्रिंट, आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर सिर्फ जाना है, वहाँ पर क्लिक नहीं करना। और जैसे ही आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो उसी के सामने एक जस्ट दिखाई देगा आपका प्रिंट प्रीव्यू, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। और जब उस पर क्लिक करेंगे तो फिर क्या, आपका सी योर पिक्चर बिफोर प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंट करने से पहले आप वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंट कैसा होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक बटन होता है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि सेट पेज मार्जिंग, यानी कि जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो चारों तरफ में आपको कितना मार्जिंग आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको पेज सेटअप का यूज करना पड़ता है। तो पेज सेटअप हम कहाँ कहाँ करते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। एक होता है हमारा सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, सेट योर पिक्चर इन डेस्कटॉप एरिया, यानी कि जो भी आपने काम किया हुआ है एज ए वॉलपेपर में अपने कंप्यूटर में सेव करना। तो कैसे करेंगे, तो पेन बटन पे जा करके आपको सबसे पहले उसे सेव करना पड़ता है, और सेव करने के बाद और फिर क्या करना आपको, क्लिक सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। एक ऑप्शन होता है हमारा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए सेट ड्राइंग एरिया पेज विड्थ एंड हाइट, जो भी आपका ड्राइंग एरिया होता है जहाँ पर आप ड्राइंग करते हैं उसकी विड्थ और हाइट को कम करना। तो कैसे करेंगे, तो पेन बटन पे जा करके आपको प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक प्रॉपर्टीज, और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा विड्थ एंड हाइट, और यहाँ पे लिखा हुआ इंटर विड्थ एंड हाइट, और लास्ट में क्या करना पड़ता है फिर आपको ओके। इसके बाद एक होता है हमारा एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर आना, तो यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड इसके बारे में कि क्लोज योर डॉक्यूमेंट आफ्टर सेव फाइल, यानी कि जो भी आप फाइल बनाते हैं या जो भी आप काम करते हैं उस फाइल को सेव करके और फिर आपको अपने पेज को या डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, तो वही हमारा एग्जिट का काम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद एक ऑप्शन है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसके अंदर तीन ऑप्शंस होते हैं, एक होता है आपका कट, दूसरा कॉपी और तीसरा पेस्ट। तो इन तीनों का यूज हम दो तरीके से करते हैं, पहला फॉर मूविंग के लिए, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट टेक्स्ट या पिक्चर, सबसे पहले आपको टेक्स्ट या पिक्चर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कट पर क्लिक करेंगे वो वहाँ से हट जाएगा, और गो टू प्लेस वेर यू वांट टू मूव, जहाँ पे आपको चाहिए होता है वहाँ पे जाना होता है, अब वहाँ पे जाकर क्या करेंगे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी वहाँ पे चली जाएगी। और एक होता है आपका कॉपिंग, फॉर कॉपिंग के लिए, तो एक ऑप्शन होता है कॉपी का, इसका यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले सिलेक्ट टेक्स्ट या पिक्चर, तो जो भी आपका टेक्स्ट या पिक्चर है उसे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है आपको क्लिक कॉपी, तो जैसी कॉपी क्लिक करेंगे तो उसकी एक कॉपी हो जाएगी, और गो टू प्लेस वेर यू वांट टू कॉपी, जहाँ भी चाहिए वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, और क्लिक पेस्ट, जैसे ही क्लिक पेस्ट पे क्लिक करेंगे वो फाइल वहाँ पे भी आ जाएगी, यानी कि पहले वाले लोकेशंस पे भी और दूसरे वाले लोकेशंस पे भी। और देखिए फ्रेंड्स, ये तो था हमारा पेन बटन का कंप्लीट ऑप्शंस।
अब इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा व्यू टैब, तब मैं आपको बताता हूँ व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब में तीन ऑप्शन होते हैं, जूम इन, जूम आउट और 100%, ये सबसे पहले दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जूम इन का जो काम होता है कि बिग साइज योर पिक्चर्स, यानी कि आपने जो भी ड्राइंग किया हुआ है उसको आपको बड़ा करके देखना है तो जूम इन पे क्लिक करना है। और जूम आउट, स्मॉल साइज योर पिक्चर, अगर आपको अपने पिक्चर को छोटा करना है दोबारा से, मतलब जो भी आपने जूम किया हुआ है, तो जूम आउट पर आपको क्लिक करना पड़ता है। और देखिए फ्रेंड्स, अपनी फाइल को आप कितना भी छोटा बड़ा कर दें तो एक्चुअल साइज में लाने के लिए आपको 100% ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में कि एक्चुअल साइज योर पिक्चर, यानी कि एक्चुअल साइज में लाने के लिए आपको 100% पे क्लिक करना पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन होता है रूलर्स का, जिसका काम क्या होता है कि सो सेट योर मार्जिंग फ्रॉम द पेज सेटअप, यानी कि जो भी आपने मार्जिंग सेट किया हुआ है तो रूलर्स का जो काम होता है वो शो करना या फिर हाइड करना। तो शो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शो रूलर्स, तो कुछ नहीं करना है आपको, व्यू टैब पे क्लिक करके क्लिक रूलर चेकबॉक्स, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका शो हो जाएगा। और जैसे ही आपको हाइड करना होगा तो दोबारा उसी पे क्या करना है आपको, क्लिक रूलर चेकबॉक्स, जैसे ही उस बेस पे क्लिक करेंगे आपका रूलर जो है हाइड हो जाएगा। और एक ऑप्शन होता है हमारा स्टेटस बार, स्टेटस बार का काम क्या होता है फ्रेंड्स, शो हाइड जूम स्लाइडर एंड गिव द डिटेल्स पेज विड्थ एंड हाइट, यानी कि स्टेटस बार का जो भी पेंट के अंदर काम होता है, जो भी आप विड्थ हाइट लेते हैं उसको दिखाता है आपका स्टेटस बार के अंदर, और कितने परसेंट पे आप जूम करके काम कर रहे हैं वो भी आपका दिखाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक होता है फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन का काम क्या होता है, तो फुल स्क्रीन योर पिक्चर आफ्टर क्लिक, जैसे आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी बटन आपका दिखाई नहीं देगा और आपकी जो आपने जो भी ड्राइंग किया हुआ है वो आपका फुल स्क्रीन में आ जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स एमएस पेंट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन एक एक ऑप्शन के बारे में। तो आप अपने कॉपी में इन सभी का नोट्स बना सकते हैं एमएस पेंट का स्टेप बाय स्टेप। और आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% उसका आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं मैं कि नोट पेड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उसके सभी ऑप्शन के बारे में, और उन सभी ऑप्शन का यूज हम कैसे करते हैं वो आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।